अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के तीसरे भाग हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी को देने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी ताखिर के वीडियो को शुरू करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का काम करने में सक्षम होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब ये कि हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटर का मिश्रण होते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर में हल करने में सक्षम नहीं थे, इस तरह हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। जैसे पेट्रोल पंप पर लगी मशीन, हार्ट बीट मापना, ब्लड प्रेशर चेक करना, हाइब्रिड कंप्यूटर की काम करने की कैपेसिटी एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर से अधिक होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर का इतिहास। विश्व का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर हाईकॉम्प 250 कंप्यूटर था, जिसे पैकार्ड बेल द्वारा 1961 में बनाया गया था। हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण, जैसे हॉस्पिटल में मरीज की हार्ट बीट मापने तथा ब्लड प्रेशर चेक करने में हाइब्रिड कंप्यूटर काम में लिया जाता है। पेट्रोल पंप पर लगी मशीन में हाइब्रिड कंप्यूटर ही लगा होता है। साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में भी हाइब्रिड कंप्यूटर को ही काम में लिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि हाइब्रिड कंप्यूटर से संबंधित सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई, या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।